Good morning, students. Today we are going to read subject Hindi, standard 5th, lesson number 10. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा विषय है हिंदी और जो हमारी कक्षा है वो 5. ठीक है, आप देख ही रहे हैं. और जो हमारा पाठ है, जो हमारा लेसन है वो है 10 और वो एक पोयम है. अब मैं आपको वो पोयम रीड करके बता देती हूँ. पोयम का नाम है सीखो. और इस कविता में जो हमारे रचनाकार हैं, जो कवि हैं श्रीनाथ सिंह, उनके उन्होंने जो लिखा है मैं एक बार पढ़ती हूँ. प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है. जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है. इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीजों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है. अब ये जो पोयम के विषय में था, जो कविता के विषय में था, वो मैंने आपको बता दिया. और अब मैं ये कविता आपको पढ़ के बता देती हूँ. फूलों से नित हंसना सीखो, घोड़ों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. बहुत ही प्यारी पोयम है स्टूडेंट्स. इस कविता में कविता में जो कवि है, जो पोएट है, उन्होंने बताया है कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए, घोड़ों से नित गाना हमेशा गाते रहो, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना. सीखो मीन सीख लेना. तो जो तरु मतलब पेड़ की जो डालियां होती हैं वो झुकी हुई, जो ज्यादा बड़ा पेड़ होता है आपने देखा होगा उसकी डालियां झुकी हुई होती हैं, तो उनसे हमें क्या सीख लेनी है कि सिर झुकाना. शीश झुकाना मीन सिर झुकाना. सीख हवा के झोंकों से लो. अच्छा, शीश झुकाना का मतलब होता है विनम्र होना. ठीक है, तो शीश झुकाना मतलब हमेशा शीश झुकाना, ऐसा नहीं है कि हम सिर झुकाते रहे, नहीं, हमें विनम्र रहना चाहिए. अपना जो व्यवहार है वो विनम्रता वाला होना चाहिए. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना. जो हवा के झोंके होते हैं वो बिल्कुल कोमलता से जैसे बहते हैं, उनके भाव बहुत कोमल होते हैं, उस तरह से कहा है कवि ने कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना. और दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. दूध में और पानी में आप शक्कर मिला दें, शुगर वो मिला दें, कुछ भी मिलाते हैं तो वो तुरंत उसमें घुल जाता है. इसी तरह से हमें भी सब से मिल के रहना चाहिए. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. सूरज की किरणें खुद भी जल्दी जाग जाती हैं और सबको जल्दी जगा देती हैं. लता और पेड़, लता उसे कहते हैं जो पेड़ के ऊपर पतली सी जो डाली सी चढ़ती है और ऊपर तक चढ़ जाती है बेल, उसे लता कहा जाता है. नॉर्मल भाषा में ज़्यादातर लोग उसे बेल कहते हैं. उनसे क्या सीखना है, सबको गले लगाना, क्योंकि जब लता पेड़ पे चलती है तो पेड़ उसको हटा नहीं देता, उसको चढ़ने देता है, गले लगा देता है. और मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. मछली से क्या सीखना है, उसको जैसे ही आप पानी से बाहर निकालोगे वो तड़प के मर जाएगी कि भाई मुझे मेरे देश में ही रहने दो, मुझे अपनी जगह पे ही रहने दो. तो अपनी जगह के लिए आपको सीखना चाहिए कि हमें इसी तरह से तड़प रखनी चाहिए जैसे मछली रखती है. पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. पतझड़ का पेड़ मतलब जब एक समय आता है जब पूरे पत्ते पेड़ में से झड़ जाते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन तब वो पेड़ कोई दुखी होकर टूट नहीं जाता, वो स्टे रहता है, वहीं पे खड़ा रहता है. और थोड़े समय बाद उसमें छोटे छोटे पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं और वापस से वो हरा भरा हो जाता है. तो हमें भी इसी तरह से दुख में धीरज रखना चाहिए, बाद में सुख आ ही जाता है. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. दीपक मतलब दिया, उससे
सीखो कि भाई एक छोटा सा दिया, भाई मैं यहाँ पे जलूंगा तो पूरे रूम में तो उजाला नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्यों जलूं, ये तो हॉल बहुत बड़ी है, यहाँ पे मैं क्यों मतलब मेरी रोशनी का कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसा मत सोचना है, हमें ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें ऐसा सोचना है कि भाई मैं भले एक छोटा सा दीपक हूँ लेकिन मैं अंधेरे को हर सकता हूँ। और कोई छोटा सा दीपक छोटी सी जगह पे आप लगा देंगे, रख देंगे तो अंधेरा वहां से हट जाएगा, उजाला आ जाएगा, ठीक है। तो उससे हमेशा क्या सीखना है, अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जो हमारी धरती माँ है उससे वो हमारी कितनी सेवा करती है, तो उससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि सच्ची सेवा कैसे की जाती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा मतलब जैसे पानी का बहाव होता है ना, उसको जलधारा, वो आगे 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 जाता है, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए कि आगे ही हमें जीवन में बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर होना। धुआं कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाता, हमेशा ऊपर जाता है, मतलब उन्नति करना। धुएं से क्या सीखना है हमें, उन्नति करना। तो धुएं यहाँ पे है, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना, मतलब उन्नति करना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 10 है उसकी जो पोयम थी वो मैंने पढ़ दी, और अब आपको उसकी एक्सरसाइज करके बता देती हूँ। और जो हमारा चौथा नंबर
और कीजिए। आपको आंसर लिख दिए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ प्रश्न नंबर 3 तक हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई और अब हम
नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। एक दो शब्द मतलब अब यहाँ पे हमको खाली एक या दो शब्दों में लिखना है। हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? तो वो है भौंरा। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हटता है? दीपक। जितनी उसकी शक्ति है, जितना उसका उजाला आ सकता है, उतना वो उतना अंधेरा हर लेता है। हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है? तो किससे मिलती है बताइए? वो है धुआं, धुएं से। अब पांचवा प्रश्न आ गया हमारा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। चौथा प्रश्न में क्या था? एक दो शब्दों में हमें आंसर देना था। तो पहला हमारा भौंरा था, दूसरा था दीपक और तीसरा था धुएं से। हमें ऊंचे चढ़ने की शिक्षा धुएं से मिलती है। और अब यहाँ समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, एक ही अर्थ। जैसे पानी तो है जल और नील, दूसरा है फूल पुष्प सुमन, तीसरा है सूरज रवि सूर्य। आप उसको एक और भी बोल सकते हैं, रवि सूर्य। और हम जैसे सूरज है, रवि है, सूर्य है, भास्कर भी बोल सकते हैं, सूरज को भास्कर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ दो ही पूछे तो मैंने दो आंसर लिख दिए हैं। चौथा है भौंरा तो मधुकर भंवरा, पांचवा है पृथ्वी धरती धरा, और छठा है वायु हवा और पवन। इस तरह से मैंने आपका प्रश्न 5 पूरा कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम लोग प्रश्न 6 पे आ जाते हैं। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे तो आंसर ऑलरेडी लिखे हैं, मैंने ये आपको लिख के दे दिए हैं। पहले का आंसर है भौरो झोंको, दूसरे का आंसर तीसरा सबको, चौथा स्वदेश, पांचवा पतझड़ और छठा है प्राणी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पे क्योंकि ये पूरी पोयम ही है तो बार बार ये पोयम ही पढ़ी जा रही है, तो इसलिए मैंने आपको आंसर सब दे दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब यहाँ पे ऊपर था एक शब्द तो शब्द में लिख दिया, अब यहाँ पे वाक्य है तो पूरा सेंटेंस में आंसर देना है। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हम जगना और जगाना सीखते हैं। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज धरना चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? धुएं से हमें ऊंचे ही पर चढ़ने या फिर उन्नति करने की सीख मिलती है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के रूप में लिखिए। तो आप शब्दकोश के रूप में, तो आप सभी को पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ वर्ड लिखे तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 9 है वो है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो मुहावरों के अर्थ आप लोगों को नहीं आएंगे तो मैंने लिख दिए हैं, शीश झुकाना, विनम्र होना, अब उसका वाक्य आप लिखेंगे, ठीक है। कोमल भाव बहाना, कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना, इसका भी आप वाक्य बना के सेंटेंस बना के लिखेंगे। फिर गले लगाना, प्यार से मिलना, धीरज धरना, धैर्य रखना, और लास्ट है ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना। प्रश्न नंबर 9 पे आ जा, प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया। और अब मैं 10 पे आ जाती हूँ। कविता से निम्नलिखित भाव अर्थ वाली पंक्तियों को ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे जो पोयम की लाइन है वो सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, तो वो कौन सी लाइन सेट होगी यहाँ पे? फूलों से नित हंसना सीखो, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा है हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो पोयम की ये लाइन यहाँ पे सेट होगी। हमें सबसे हिलमिलकर रहना चाहिए, तो यहाँ पे चौथे पे आएगी दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, हिलमिलकर रहना, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न 10 भी पूरा हो गया। प्रश्न 11 पे मैं आ रही हूँ। यहाँ पे है लिखा हुआ सीख और प्रकृति के तत्वों के सही जोड़े मिलाइए। सीख है और प्राकृतिक जो हमारे तत्व होते हैं प्राकृतिक के, उस पे आपको सही जोड़े करने हैं। तो हमें इस तरह से मैच नहीं करना है, जिस तरह से मैंने आंसर लिख दिए, आप लोग फोटो कॉपी आपके पास आ जाएगी, आप उसी तरह से आंसर लिख दीजिएगा। तो पहला का आंसर है कोमल भाव बहाना हवा, दूसरा है जगना और जगाना सूरज की किरणें, तीसरा है सबको गले लगाना लता और पेड़, चौथा है अंधेरा हरना दीपक, पांचवा है मिलना और मिलाना दूध और पानी, और छठा है गाते रहना भौंरा, सातवां
है दुख में धीरज धरना पतझड़ के पेड़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो एक्सरसाइज का जो 11वां प्रश्न था स्वाध्याय का वो भी पूरा हुआ। और 12वें में क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को स्वर भार देकर पढ़ना। तो जो ब्लू लाइन है जिसके ऊपर अंडरलाइन करी है उसको आप थोड़ा भार दे के खाली रीड करना है, जो ये तीन है वो आपको सिंपली रीड करने हैं। ओके, और जो हमारा लास्ट वाला प्रश्न है वाक्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए, तो वो सिंपल एक कविता की जो पोयम की जो पंक्तियां हैं वो ही हमें लिखनी है, तो वो आप खुद लिख सकते हैं। बाकी आज पूरी जो एक्सरसाइज थी एक से लेके पूरी एक्सरसाइज हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेसन नंबर 11 हम तब समझेंगे और वो है सच्चा बालक। टिल देन बाय, थैंक यू।